मैडम गुड मॉर्निंग जगदेव, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हार्दिक अभिनंदन टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेचुरोपैथी. अभी तक हमने आज का जो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर का विषय है वो है नेचुरोपैथी मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हार्ट की डिसीजेस है, बीपी है, डायबिटीज है एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स हम आजकल अपने लाइफस्टाइल के चलते जूझ रहे हैं. सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये तो आप सब जानते ही हैं. आजकल जो इम्बेलेंस ऑफ वर्क एंड रेस्ट, हमारे जीवन में इतना तनाव, और सबसे ऊपर जो भोजन है, भोजन का प्रकार ही बदल चुका है. आज जो है फूड की डेफिनेशन ही बदल गई है. पीपल आर ईटिंग मोर एंड मोर पैक्ड गुड्स और फुल ऑफ रिफाइंड. हमारे अगर आप अपने घर पे एक नजर दौड़ा के फ्रिज में देखिए, मोस्ट ऑफ द फूड विल बी द पैकेज्ड गुड, रिफाइंड गुड, रिफाइंड शुगर्स एंड सो मच ऑफ अनहेल्दी फूड्स वी आर ईटिंग. सो ऑल दीज थिंग्स दे कॉज अ रियली बैड इम्पैक्ट ऑन अवर सिस्टम एंड द वर्किंग ऑफ एंड एफिशियंसी ऑफ अवर सिस्टम. वॉट इज नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी और नेचर क्योर, इट इज एज ओल्ड एज नेचर इटसेल्फ. नेचर क्योर, इट हैज द वर्ड क्योर इन इट. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्योरा व्हिच मीन्स टू टेक केयर. That means nature taking care. So we are all equipped with everything in us which takes care of us. Every creation is endowed with self-repairing, self-improving and self-healing mechanism. And the total reliance on this creative intelligence is naturopathy or nature cure. Naturopathy, we believe we are made up of five elements: ether, air, fire, water, and earth element. इन्ही तत्वों को, पंच तत्वों को हम ये मानते हैं कि जब हमारे शरीर में इन तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं. तो इन्ही तत्वों का प्रयोग करके, जैसे हाइड्रोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी जिसे सन थेरेपी कहते हैं, एंड वॉटर थेरेपी, एयर थेरेपी, तो ये सारी मॉडालिटीज जो हैं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की होती है. और बेसिकली अगर हम ये कहें कि इट इज नॉट अ पैथी, इट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है प्राकृतिक चिकित्सा. प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है अपने आप को प्रकृति के साथ, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं सारे बर्ड्स, एनिमल्स, दे आर ट्यून्ड विद नेचर. कहाँ इतने इन पक्षियों के और पशुओं के हॉस्पिटल्स होते हैं, दे आर नेचुरली डिलीवरीज होती है तो नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, कहाँ सिजेरियन होते हैं इन जानवरों के, बिकॉज दे आर ट्यून्ड विद नेचर. तो नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं एंड दे रिमेन हेल्दी थ्रू आउट. तो हमें भी, हम थोड़ा सा जो है सर्कमस्टेंसेस कहिए, हालात कहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट कहिए, तो धीरे धीरे जो है अर्बनाइजेशन के चलते हम जो है प्रकृति से थोड़े से अलग हो गए हैं. तो वही प्रयास है हमारे को समझने का. अब दवाइयां हम खाते हैं, जैसे हम डायबिटीज की दवाई, अगर मैं कहूँ कि ब्लड शुगर ज्यादा हो गया शरीर में, मान लीजिए दो व्यक्ति है, 250-250 शुगर दोनों का रहता है ब्लड शुगर लेवल, तो एक व्यक्ति मेडिसिन नहीं खाता और उसकी 250 पे रहती है और वो अपने लाइफस्टाइल से भोजन में सुधार करता है, वॉक करता है, और प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मॉडालिटीज है जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी वो अपनाता है, और दूसरा व्यक्ति जो है दवाई खा के 250 से 150 पर ले आता है शुगर. हम ग्लूकोमीटर पे शुगर देख के बड़े खुश होते हैं कि अरे हमारा शुगर कंट्रोल हो गया, बट व्हाट इज द फैक्ट, वो शुगर जो सो कम हुआ वो गया कहाँ?
दैट इज स्टिल इन अवर बॉडी. बस ये है कि बॉडी ने हमारे जो है दवाई ने वो उसको कहीं और ऑर्गन में छुपा दिया और वो ब्लड में नहीं रहा और वो डिटेक्ट नहीं हो पाया ग्लूकोमीटर से. लेकिन वो आपकी इन द लाइक स्पैन ऑफ अनदर फ्यू इयर्स आपकी आंख, आपके किडनीज और कहाँ कहाँ आपको वो जो है, क्योंकि दैट इज स्टिल इन योर बॉडी. सिमिलरली विद बीपी, बीपी में क्या है कि आप मान लीजिए एक स्ट्रॉ लीजिए, उसको एक तरफ से दबाइए तो दूसरी साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा. सिमिलरली हमारे जो भीतर है ब्लड आर्टरीज वेन्स में फ्लो कर रहा है, सर्कुलेशन इज टेकिंग प्लेस, बट व्हेनेवर देयर इज ब्लॉकेज और समथिंग देन द हार्ट इज ट्राइंग टू पास द ब्लड एंड इट हैज टू वर्क हार्डर एंड सो द प्रेशर इंक्रीजेस टू मेक द फ्लो प्रॉपर. सो व्हेन वी टेक द मेडिसिन व्हाट हैपेंस, वो जो ब्लॉकेज है या जहां पर द रूट कॉज है That is not corrected. आप मेडिसिन खाते हैं तो आपका जो है ब्लड पतला हो जाता है या अन्य फैक्टर्स जो है, बट द रूट what was the root cause of the high rising BP? It was the blockage. आपने मेडिसिन खा ली, आपका जो है पैरामीटर आपने चेक कर लिए, बट द रूट कॉज इज द क्लॉट या ब्लॉकेज या द reasons आर स्टिल देयर. So in the long run it will damage your body. So we need to understand that ke medicine, we are a medicalized society. We are made to believe okay there is a pill when you have some ill, but in fact there is a ill for every pill. Mind you, whatever you are taking, aspirin, blood thinner, जितने भी हम लेते हैं ये जो है दे हैव बीन डिक्लेयर्ड मोस्ट डेंजरस मेडिसिंस. पैरासिटामोल साइंटिफिकली रिसर्च करके जितनी ये मेडिसिन है दे आर रियली रियली हार्मफुल फॉर अवर सिस्टम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मेडिसिंस आर नॉट द आंसर. सो व्हाट इज द आंसर, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड and you have changed your lifestyle. That is most important part of the naturopathy treatment. Like you are now working out, doing yogasana, pranayam, you are managing stress, and I hope most of you are following the diet also. Now, the naturopathy part, how do we take help of the naturopathy modalities to ensure our health and prevent the further deterioration of our system? So first of all, I want to give a tip, naturopathy tip. Whenever you go for a bath, enter the bathroom, when you take off your clothes, every day you should do a dry friction off very rigorously. Rub your each and every part of the body till it turns red, rigorously for just 2 to 5 minutes, and then you take bath. This has a tremendous effect on your system and more than 50% of your ailments will be cured by doing just so. What happens is, when you rub your body, जिसे कहते हैं शुष्क घर्षण प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में, तो आपके बॉडी में एक हीट जनरेट होती है एंड जब वो हीट के बाद आप पानी ठंडा डालते हैं, सादा पानी से नहाते हैं, सो द मेटाबॉलिज्म, द बॉडी ट्राइज टू देन नॉर्मलाइज द टेम्परेचर. सो द मेटाबॉलिज्म जो यानी के जो क्रिया प्रतिक्रिया है हमारा जो सिस्टम है दैट गेट्स बूस्ट अप. सो दिस इज द वे मेनी प्रॉब्लम्स आर टैकल्ड, द स्लगिश सिस्टम बिकम्स एक्टिव. सो व्हेनेवर यू टेक बाथ जस्ट फॉलो दिस सिंपल टिप एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन रिजुविनेटिंग यू. नाउ coming to the diabetes or coming to all many other ailments, when over the period of time with every decade our metabolism is reduced by 10%, by the time you are at the age of 50 your 30% metabolism had reduced. Now in order to improve the functioning of the organs, say for example in naturopathy we believe all the problems start with the stomach. So we recommend in naturopathy to tie a compress which is called the hot and cold bandage
on your stomach every day so that the sluggish digestive system, the pancreas, the organs, all are situated in the abdominal areas. Their efficiency is improved, the toxins are removed, and excess heat is absorbed. Now, this is called the compress or hot and cold bandage. Let me show you. This bandage, I already shared this bandage with you. So you should tie it regularly, 40 minutes. What this, this is like, it may seem very simple, but there are the scientific evidence, and in many patients have told me they were suffering from so much of, like, for 12 years or something with constipation and all. And when they started tying the bandage, the belly fat will reduce. The fat, when you reduce weight, the loose muscles, they get tightened up. And the organs, like the pancreas, the stomach, the intestine, sometimes people are suffering from various ailments, the liver and fatty liver and so many other. When you tie this bandage regularly for 40 minutes, all your problems gradually start decreasing. And you see the amazing result. So now, how to tie this bandage and when to tie this bandage? The rule is same as is for the yogasana and for physical workout, because your stomach should be empty. You should, if you have eaten a light snack, then tie it after 1 hour. If you have eaten a heavy meal, you tie it after 3 hours, so that the digestion process is over. Because when you tie this bandage, another process, the body's metabolism, it starts activating. So if your stomach is full or something, it will hamper that process. So this is the way to tie for 40 minutes. In the night, if you have had dinner at 7, tie the lapet at 10 o'clock. Go to sleep. It won't cause any harm. The work of the lapet or the compress will be done in 40 minutes. And then even if you sleep on it, no harm done. And it will do wonders for constipation, piles, and colitis, and so many ailments, you name it. And such a simple technique. So this was the compress. Now, coming to the BP part. Whenever those people who are suffering from hypertension, high BP, when the blood pressure rises, they realize certain symptoms, they get to know that something is going on, and over the period of time, they get to understand their body and they get to know, yeah, now the BP is high. So at that very instance, what you are supposed to do, abhi to winters hain, to abhi ke liye nahi, but in summers, you can rub your spine with the ice. If you're feeling like your blood pressure has something happens and the blood pressure has suddenly increased, immediately you should take ice and rub ice on your spine, and immediately your BP will come down. For say 5 minutes, you can do 5 to 7, 10 minutes, and the BP is gonna come down instantaneously. No medicine will do such an instantaneous work. So this is one tip. Or what you can do is, you can take a towel and make a patti of it, so that it should be so long that it should cover the spine. Say this much of towel, which can cover from at the below, from the portion from the neck till the tailbone. Take that towel, dip it in the normal water, or you can take cold water in summers, and in winters you can dip it in the normal water. Dip in the water, then usko pani se nichod kar make a patti of it. Itni chaudi patti jisse ke spine cover ho jaye. Now take that towel and make the person take off his clothes and put that patti on his spine and make him lie for 10 to 15 minutes. You can change the patti because it will turn thoda sa normal ho jayegi. Fir ek thandi patti thodi si pani mein dip karke usko spine pe laga de.
this is a very effective method for reducing blood pressure. Another tip, another naturopathy modality for reducing hypertension, high blood pressure is a hot foot bath. Today, I'll share a picture of hot foot bath so that you will understand. But what are the requirements for this hot foot bath? You just go in your bathroom, put a chair. You can keep a chair in your room or bathroom wherever you want to sit. You sit on the chair and you dip your legs in a very hot water, tolerably hot water. Jale nahi, lekin lukewarm se thoda zyada ho. Jitna zyada se zyada garam aap sahan kar sakte hain. वो आप बाल्टी में पूरा अपने घुटनों तक बाल्टी में डिप करके पानी में और चेयर पे बैठे और पैर आपके बाल्टी में गर्म पानी में होंगे. लेकिन याद रखिए, ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले या कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा की गर्म ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो ग्लास पानी के पी लेने हैं. सादा पानी पी लीजिए और सर पर एक टॉवल को डिप करके you put that dip towel and rinse towel on your head so that jo garmi hai wo aapke sir pe nahi chade, aapko chakkar ityadi na aaye. Ye do precaution leke then you sit down and put your legs in the tolerably hot water. Ab isme baithne ke baad aapko apni puri body aur pura wo jo bucket hai that should cover in the blanket. For that I'll send you a picture so that you can see how the position is supposed to be. Usko cover karke you sit down. And this treatment is for 20 minutes. Within 10 minutes, water ka temperature thoda sa thanda hona shuru ho jayega. To aap usme se, kisi ki madad se, usme se pani nikalwa dijiye aur usme aur pani. The idea is ke aapka wo jo pani hai, wo garam hot, matlab kafi achha khasa garam bana rahe. Uska temperature nirantar थोड़ा सा टॉलरेबली हॉट, जितना आप ज्यादा से ज्यादा गर्म सहन कर सकते हैं उतना बना रहे. तो वो थोड़ा सा पानी निकाल के 10 मिनट में वो थोड़ा सा ज्यादा पानी और डाल के एंड सिट फॉर टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट्स. यू हैव टू सिट विद योर लेग्स इन दैट हॉट वाटर विद कवरिंग योर बॉडी विद ब्लैंकेट, कवरिंग योर हेड विद वेट टॉवल. और आपको इसमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि बीच में वो टॉवल जो है वो गर्म हो जाता है बॉडी की हीट से, तो उसमें फिर से थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा पानी देंगे ताकि उसकी ठंडक, सिर की ठंडक. याद रखिए कि हम जब कहते हैं कि पेट नरम, पैर गर्म और सर ठंडा, ये हमेशा हर कंडीशन में मेंटेन करने चाहिए. तो सर को ठंडा रखना है हमेशा, उसमें अगर जरा भी गर्मी चढ़ेगी तो चक्कर वगैरह आएंगे. 20 मिनट्स के बाद यू हैव टू टेक अ नॉर्मल बाथ. सिर से नहा लीजिए, जरा पानी डाल लीजिए, दो मग्स लेके, बस पूरा प्रॉपर नहाने की जरूरत नहीं है. बट द आइडिया इज कि गर्म से आप ठंडे में आप नॉर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर कर लेंगे. वाइप योर बॉडी एंड दिस इज डन. सो दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड. तुरंत मुझे लोगों ने बताया कि हाँ हमारा बीपी हाई था और हमने हमारे करते ही ये जो है हमारा तुरंत जो है बीपी डाउन आ गया. और एक हॉट फुट बाथ के और बहुत से लाभ है. जैसे जिनको इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, और तो वो अगर ये करके रात को बेड टाइम पे अगर सोए दे विल हैव अ वेरी साउंड स्लीप. अब सर्दी का मौसम आ रहा है, अचानक से ठंड आ जाती है और आपको लगता है कि अरे आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, आई हैव कॉट कोल्ड, थोड़ा सा मुझे सर्दी सी लग रही है, तो आप तुरंत हॉट फुट बात लीजिए. तो इससे पहले कि वो आपके सिम्टम्स एग्रावेट हो और आपका जुखाम खांसी वो बढ़े, तुरंत आपका इलाज हो जाएगा विद दैट हॉट फुट बात. अस्थमा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यू टेक हॉट फुट बात. तो सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ सच अ सिंपल टेक्निक ऑफ दिस नेचुरोपैथी मोडालिटी. तो इस तरह से आप जो है सो मेनी प्रॉब्लम्स विद द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट. और बाकी एक जैसे इन मॉडेलिटीज की मैंने बात करी, बाकी आप अपना जो है खान पान का जो भी पैथी अपनाएं, जो भी आप लाइफस्टाइल अपनाएं,
वो पूरा हो ही नहीं सकता डाइट की मॉडिफिकेशन के बगैर। सो अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप करिए। आपको आज कौन सा दिन हो गया? आई थिंक हमारे कितने दिन हो गए ये कैंप शुरू हुए? 23 तारीख से शुरू हुआ था एंड टूडेज या 1 वीक हो गया, तो इसमें तो कुछ रिजल्ट्स आने चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट्स। रवि जी बताएं, आई वॉन्ट सम रिजल्ट्स। आप रिलीजियसली डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? नहीं ठीक है, अच्छा है, कुछ तो फर्क लग रहा है। मेरा डायबिटीज तो जनरली कंट्रोल में है, हाइपरटेंशन का थोड़ा सा कई बार ज्यादा आ जाता है, बाकी तो ठीक ही है। तो तब आप ये हॉट फूड बात कीजिए प्लीज। सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग ट्राई करें। अनुराग जी आप बताएं। अनुराग जी हाउ आर यू सर? या ये डाइट मैं रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन दिनों ट्रेवलिंग मेरी काफी रही, ओके बट बीपी मेरा कंट्रोल में है। शुगर की मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ, बट बॉर्डर पे रहती है। मैं 2-3 बार मैंने चेक किए, मेरी फास्टिंग 120 पे है, कांस्टेंट 120, एंड बीपी इज अराउंड 135 85, दैट इज द बीपी इन द मॉर्निंग ये बिफोर बिफोर आपका, मेडिसिन। हाँ बिल्कुल आपका मेजर इश्यू नहीं है ये। आप बस डाइट को अगर, और ये जो मैंने आज कंप्रेस बताई है, लपेट ले लीजिए ये आप। इट विल लाइक मेक योर पेंक्रियास एफिशिएंट, मेक योर स्टमक, गट, ये जितने भी ऑर्गन्स हमारे हैं उनको और एफिशिएंट बनाएंगे। ब्लड, देखिए व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस विद दिस लपेट। आपने इस लपेट को बांधने का तरीका मैंने बताया कि ये जो कॉटन की पट्टी है इसको आपने पहले पानी में डिप करना है और निचोड़ के लपेटना है। जैसे ही ये ठंडी पट्टी आपकी, और उसके ऊपर वोलन पट्टी बांधनी है। दिस इज द टेक्निक। जब आप वो निचोड़ के पट्टी बांधते हैं तो उसकी ठंडक से द वेरी फर्स्ट जिसे कहते हैं प्रभाव, 3 प्रभाव होते हैं इस लपेट के। पहला होता है शीतकारी प्रभाव। आपकी बॉडी से जब टच होता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस होगी तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड विल गो इनसाइड, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। ये 5-10 मिनट प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद क्या होगा? समकालीन प्रभाव। समकालीन का मतलब अब आपको ठंड नहीं लगेगी, आपका जो है सर्कुलेशन सामान्य हो जाएगा। बट विन अनदर 20 मिनट्स, क्योंकि उसके ऊपर आपने वुलन लपेट बांधी हुई है तो इसकी गर्मी का प्रभाव शुरू हो जाएगा और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो फिर से डायलेट होंगी और भीतर से ब्लड दुगनी गति से टॉक्सिंस लेके पसीने के थ्रू और आपके टॉक्सिंस बाहर निकलेंगे और मल निष्कासक अंगों पर जो है वो टॉक्सिंस जाएंगे। एंड दैट इज द वे आपका जो मेटाबॉलिज्म है पैप अप होगा। आपका जो बॉडी एक्सेस हीट है वो खत्म होगी और जो टॉक्सिन्स है वो आपके शरीर से जल्दी निकलेंगे। सो इसका साइंटिफिक बेसिस है। तो ये जरूर रेगुलरली पेट पे दो बांध के, दो अगर एक दो बार नहीं बांध सकते, एक बार तो जरूर ही बांधे तो आपको इसके मिराकुलस बेनिफिट। और ये हॉट फूड बात आप लोग बेड टाइम पे, सभी से मैं आग्रह कहूंगी कि आप लोग, और आपसे अनुराग सर मैं कहूंगी, आप चाहे ट्रेवल में कुछ है कोशिश करें, फल फ्रूट सब्जियां हमेशा अपने पास रखें ताकि बिफोर यू कंज्यूम एनीथिंग लाइक सैंडविच या लंच कर रहे हैं उससे पहले खूब सारी सैलेड, और ब्रेकफास्ट में बहुत सारा फल खाइए। आपका शुगर 120 से, मैं कहती हूँ एक दिन में आपका, आज अगर आपने ये डाइट अपना ली कि 12 बजे तक आप 4-5 तरह के जो है मोर देन 500-600 ग्राम्स आप फल खा रहे हैं और लंच में आप 300 ग्राम सैलेड खा के फिर आप लंच अपना जो खाना है खाइए, और डिनर में भी ऐसे ही लाइट करें और 8 बजे से पहले डिनर करें, कोशिश करें, तो आपका एक दिन में ब्लड शुगर फास्टिंग का मैं गारंटी से कह सकती हूँ वो नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना आए। तो ये आप कोशिश करते रहिए। जी कुछ ये कहना चाहते? हाँ, लपेट में दो क्वेश्चन थे। एक तो जो जो पानी की पट्टी है सफेद वाली, ये ठंडा पानी रखना है नॉर्मल पानी रखना है? नॉर्मल पानी मैं बोलती हूँ, लेकिन कईयों को जैसे जो थोड़ा सा अगर ठंडक लगती है ज्यादा, सेंसिटिव होते हैं लोग या मौसम के हिसाब से, अदरवाइज बेस्ट रिजल्ट इसके नॉर्मल पानी में है। लेकिन अगर आपको ठंडी लग रही है तो गुनगुने पानी में, आप बस गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं, ज्यादा गर्म पानी में नहीं। आइस कोल्ड वाटर तो नहीं लेना ना? नहीं, आइस कोल्ड नहीं, आइस कोल्ड की नहीं।
दूसरा उसको, दूसरा उसको नॉर्मल बांधना है, टाइट करके बांधना है? नहीं नॉर्मल, बिकॉज इतना टाइट नहीं हो कि जैसे आप सॉक्स पहनते हैं तो वो निशान पड़ जाए, नो, मीडियम, और इतना ढीला नहीं कि वो आपकी लटक जाए, दैट शुड बी अपनी जगह पर रहे, इतना रहे, राइट? ओके. राजीव जी, ओवर टू यू, कैसे हैं सर आप? आपका ब्लड प्रेशर बताएं, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया. बीपी, हाँ बीपी मेरा अभी भी कुछ हाई चल रहा है, आई डोंट नो रीजन क्या है. हाँ. बाकी जो डाइट वगैरह है वो तो मैं काफी फॉलो कर रहा हूँ, नॉट 100% बट मे बी 50-60%. जो है वो जो भी सब ग्रीन जूसेस एंड ऑल दैट वो सब मैं ले रहा हूँ, फिर सोक्ड सोक्ड नट्स ले रहा हूँ, 600-700 grams ऑफ फ्रूट्स ले रहा हूँ. लंच डिनर में आई एम अवॉइडिंग राइस एंड व्हीट, बेसिकली टेकिंग मिलेट्स. बट ये कि शायद क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, क्वांटिटी मैं शायद कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ. सो आपका वजन कितना है? इज देयर अ वेट इशू आपका? तो आई थिंक आपका वेट मेरा आज से 6-7 months पहले 76 था, फिर वो बीच में 69 तक आ गया था, अभी नाउ इट्स अराउंड 70. तो ठीक है आपका वेट, तो व्हाई यू कॉन्शियस? ओ यस, सी आप अपनी बॉडी को सुनिए, लिसन टू योर बॉडी व्हाट इट वांट्स व्हेन इट वांट्स. कई बार हम ओवर व्हाट वी शुड से ओवर एंशियस और ओवर हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं ये तो सही नहीं कर रहा, वो तो नहीं सही कर रहा. कई थोड़ा सा रिलैक्स वे में इंजॉय भी कीजिए, खाने को इंजॉय कीजिए, हर वक्त हमें एंशियस रहने की जरूरत नहीं है. लिसन टू योर बॉडी. आपको पता है कि पहले भर के उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, फल और सब्जियों पे नो लिमिट, अनलिमिटेड आप उसको खाइए दबा के, और उसके बाद आपके पास इतनी जगह ही नहीं बचनी है, और जितनी आपको लगे कि हाँ मेरी भूख है. हम योग में ये भी कहते हैं कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, थोड़ा सा स्पेस बॉडी के पैरास्टाल्टिक और जूसेस को मिलने के लिए भोजन में थोड़ी जगह छोड़ दे, वो उतना तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस होके बस इतनी जरूरत है. बट हमें रेलिश भी करना है, क्योंकि अगर हम फूड रेलिश नहीं करेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे, तो जो हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है और डोपामाइन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने ऐसे देखा है लोग के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एंड दिन में 24 घंटे वो हमेशा एंशियस और कॉन्शियस हैं. ऐसा भी नहीं करना है, ये और बीमारी है, वो अभी कभी आपको रिलैक्स नहीं होने देगी. तो यू हैव टू बी लाइक, हाँ अपना जो बेसिक आइडिया है उसको लीजिए, लाइफ को इंजॉय कीजिए. एंड व्हाट अबाउट द नरिशिंग ऑफ योर माइंड? मैंने कहा था कि यू नीड टू, किनको म्यूजिक पसंद है? कोई गाने सुनते हैं, गाते हैं? म्यूजिक इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ रिलैक्सिंग, तो अच्छा म्यूजिक सुनिए. कोई अपनी हॉबी, कोई इंटरेस्ट, जो भी आपको लगता है कि आई लव दिस थिंग, सो स्पेंड सम टाइम. हमारी देखिए, हमें अक्सर ये लगता है कि टाइम ही कहाँ है. एक जमाना था तब मैं ये स्पोर्ट्स को देखता था या करता था, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम आप अपनी है, जो है ना, शौक को थोड़ा सा दीजिए, तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन हीलिंग योरसेल्फ. या तो क्विकली टेल मी रवि जी, व्हाट इज योर पास टाइम हॉबी? या आई वांट टू नो. एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि वो कल ही मैंने अर्जुन की छाल मंगवाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट, लेकिन गुड़हल नहीं है, सो कैन आई जस्ट सिंपली टेक वन of अर्जुन की छाल, और आपने बताया था 5 minutes उसको 100 milliliter water boil करके उसका आधा चम्मच से शुरू कीजिएगा, आधा चम्मच पाउडर से. ठीक है, फिर भी हमेशा कोई भी प्राकृतिक चीज है उसकी स्मॉल क्वांटिटी से हम शुरू करते हैं, एंड देन वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी के हाउ इट इज गोइंग, सूट कर रहा है. देखिए, नो मैटर हाउ नेचुरल अ थिंग इज, वो आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही, ये दिस योर बॉडी विल टेल, राइट? So, जल्दी से रवि जी बताइए, व्हाट इज योर फेवरेट पास्ट टाइम? व्हाट डू यू लव टू डू? व्हाट डू यू रियली लव टू डू? मैं आई लाइक टू रीड बुक्स. ओके, सो लेटेस्ट बताइए. सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ. कोई अपनी फेवरेट बुक का नाम और ऑथर बताइए फटाफट. क्या पढ़ रहे हैं आजकल? अभी मैं फिलहाल 1-2 महीने से नहीं पढ़ रहा हूँ, बट
ये गलती, आप अपने पैशन को नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है, राइट? ये आप निकालिए, अपना आराम से धूप में बैठिए, हैव अ कप ऑफ प्रज्ञा पे और लेमन वाटर एंड एंजॉय द सन, रीड समथिंग. एंड ओवर टू यू अनुराग जी, व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम? It's very typical. I love driving. Driving. Okay. चलिए, वो तो डे टू डे एक्टिविटी में तो वो नहीं हो सकता, लेकिन अदरवाइज लाइक कुछ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, वो व्हाटएवर, लाइक इट्स फाइन वाचिंग टीवी एंड डेफिनेटली ब्राउजिंग कार्स इन द ऑन द नेट. ओह वाओ, सो व्हाट इज द लेटेस्ट वन? लेट अस आल्सो नो व्हाट इज द गुड कार यू लव, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट मॉडल एंड ऑल. या नहीं, अभी तो एक दिमाग में चल रही है, वो तो खैर आउट ऑफ बजट है, तो सो व्हाट. वो कहते नहीं है मंसूबों में तो कंगाली नहीं होनी चाहिए. बताइए कौन सा मॉडल है? दैट इज अ ग्लोस्टर ऑफ एमजी. ओके, तो उसकी पिक्चर डालिएगा, मैं भी देखूंगी. या डेफिनेटली, या आई वुड लव टू. राजीव जी, ओवर टू यू. मेनली फोटोग्राफी. ओह वाओ, तो मुझे कुछ पिक्चर शेयर कीजिए ना, आई वुड लव टू सी योर वर्क. क्या आप जो आपकी फेवरेट, आपने कोई पिक कोई नेचर की ली हो या व्हाटएवर, शेयर एंड कीप इन टच, ट्यून इन टू योरसेल्फ, अपनी ट्यूनिंग अपने आप से कीजिए प्लीज. सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, गुड हेल्थ एंड गुड स्पिरिट. या बाय बाय. थैंक यू.